Hello students, the experiment is to find the value of Planck's constant and work function of a material of the cathode using photocell. So, यहाँ पे जो हमारे पास apparatus है, that is photocell, एक optical bench होगा, source of light होगा, then different color filters होंगे, ठीक है, and voltmeter and ammeter. ये setup है, यहाँ पे light source है, light जो आएगी, यहाँ पे हम filter लगाएंगे different colors के, जिस कलर की फ्रिक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड होगी उस कलर का हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे एंड जो ये लाइट है इट विल फॉल ऑन द फोटो सेल. दिस इज़ द कैथोड, दिस इज़ एनोड प्लेट और वी कैन से दिस इज़ द इमिटिंग इलेक्ट्रोड एंड दिस इज़ द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड. तो जब लाइट यहाँ पे फॉल करेगी सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब फोटोन इस मेटल पे फॉल करेंगे द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड and those electrons will reach on the anode plate and correspondingly we will get some current in the circuit. So यहाँ पे पहले हम experiment perform करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि stopping potential क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें stopping potential निकालना होगा for every color, for filter of every color. तो ये इसकी theory है stopping potential के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो भी light यहाँ पे fall कर रही है उसकी कुछ एनर्जी होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू आपको पता है. सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज़ फॉलिंग ऑन दिस इमिटिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है, इक्वल टू W, W इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस कैनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. वर्क फंक्शन क्या होता है, जितनी भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए. तो हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, तो फोटोन की एनर्जी इसके इक्वल होगी, ठीक है, दोनों के समेशन के. सो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वेयर. कनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वेयर वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यू नॉट. न्यू नॉट क्या होगा, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये वाली टर्म आपने क्वांटम मैकेनिक्स में थ्योरी में करी होगी. सो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है. यहाँ पे अब क्या है कि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है पहले, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे those electrons will have some kinetic energy according to this equation. तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे opposite polarity potential apply करना है कि जैसे electron जो है they are negatively charged, so we have to apply negative potential here कि electron जो है वो इस point plate के ऊपर reach ना करें. So जिस potential के लिए electron इस plate पे reach करना बंद कर देंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, तो circuit complete नहीं होगा, means वहाँ पे हमारा करंट ज़ीरो हो जाएगा. सो जिस पोटेंशियल के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रियोस्टेट होगा, वहाँ से हम सेट कर सकते हैं, तो जिस पोटेंशियल के लिए हमारे पास करंट ज़ीरो हो जाएगा दैट इज़ कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये अलग अलग कलर्स के लिए, क्योंकि फ़िल्टर अलग अलग कलर के यूज़ करेंगे तो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, क्योंकि हर एक कलर के जो फोटोन हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट है और ये चीज़ अगर डिफर करेगी तो वर्क फंक्शन तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की कनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करेगी, ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो कनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कनेटिक एनर्जी है व्हेन इट इज़ इक्वल टू ई वी नॉट. ई वी नॉट क्या है, हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव करेगा इट विल गेन एन एनर्जी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो और अगर यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है इफ़ दैट इज़ इक्वल टू वी नॉट विच इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल देन इलेक्ट्रॉन विल गेन एन एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर विच इज़ कनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे उस केस में इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर जाना बंद कर देंगे एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसलिए हमने इसको ई वी नॉट लिखा है. तो यहाँ से हम वी नॉट की वैल्यू या वी एम की जो भी वैल्यू निकालनी है यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं. इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन लिखी है मैंने ऊपर, ये दोबारा लिखी हुई है, हाफ एम बी स्क्वेयर इक्वल टू एच न्यू, ये इस साइड आ गया एच न्यू नॉट, ठीक है. और यहाँ पे आप देख लो जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, वी कैन रिप्लेस दिस हाफ एम बी स्क्वेयर विद ई वी नॉट और रिप्लेस करने के बाद ये इक्वेशन बन गई है. यहाँ से हम वी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस इज़ वी नॉट, सो वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू ओवर ई माइनस एच न्यू नॉट ओवर ई. सो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अब यहाँ पे जो ये v नॉट है इट इज़ ऑन द y एक्सेस, ठीक है, और ये जो h ओवर e है दैट इज़ द स्लोप.
सो दिस इज़ अ ग्राफ बिटवीन वी नॉट एंड न्यू. ये वी नॉट है वाई एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर न्यू है. जब दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे सो ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पहली बात. और ये इसका स्लोप है एंड स्लोप शुड बी नेगेटिव. तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी कि ये इस एक्सिस को यहाँ पे नेगेटिव में जाके कट करेगी. सो ये स्लोप जो ये इंटरसेप्ट बनेगा इसका, इट शुड बी नेगेटिव. तो आपका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा. और इस ग्राफ का जब स्लोप निकालेंगे, दैट स्लोप इज इक्वल टू एच ओवर ई, और स्लोप को हम लिखते हैं टैन थीटा. तो जब स्लोप निकाल लोगे दैट इज इक्वल टू एच ओवर ई, और उस स्लोप को आप ई से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके पास एच आ जाएगा. स्लोप कैसे निकालोगे, कोई भी दो पॉइंट लेके, जैसे मैंने ये पॉइंट एक ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे जो वी की वैल्यू वी टू आई है और करस्पॉन्डिंग न्यू की वैल्यू न्यू टू है, इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू वी वन है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू न्यू वन है. सो वी टू माइनस वी वन ओवर न्यू टू माइनस न्यू वन, क्योंकि जो स्लोप है दैट इज़ वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन. तो ये यहाँ पे वी टू आएगा, ठीक है, ये गलती है बुक में. सो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ जाएगा और इसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट वैल्यू ऑफ एच, दैट इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. सो नेक्स्ट इज़ वर्क फंक्शन कैसे फाइंड करना है. ये वर्क फंक्शन के लिए आपने ये देखा है, दिस इज़ इंटरसेप्ट. तो यहाँ से इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, ओ सी, जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू एच न्यू नॉट ओवर ई. एच न्यू नॉट इज़ वर्क फंक्शन, डब्ल्यू नॉट ओवर ई, और ओ सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ओ सी इंटू ई करेंगे, दैट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. सो नाउ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करेंगे. दिस इज़ द अपैरेटस फॉर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. यहाँ पे वोल्ट मीटर और एम मीटर, माइक्रोमीटर लगे हुए हैं. ये हमारा सोर्स है, ये फोटो सेल है. फोटो सेल में यहाँ पे हम अलग अलग कलर के फिल्टर्स लगाएंगे. हमारे पास ये फिल्टर हैं चार कलर के, ठीक है, और इसको सोर्स से फिक्स्ड डिस्टेंस पे रखेंगे. एक बार जब रख दिया तो इसको हिलाना नहीं है, ठीक है, फिक्स रखना है इसको. और फिर हमें यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव है फोटो सेल का जो एनोड है उसको एनोड के साथ, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगा देना है. ये लगाने के बाद हम वोल्ट मीटर का पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लगाएंगे और इसका नेगेटिव नेगेटिव के साथ. और यहाँ पे एमीटर जो है सीरीज में है वोल्ट मीटर के साथ, तो एमीटर का पॉजिटिव यहाँ पे ये पॉजिटिव के साथ आएगा और ये नेगेटिव इसका नेगेटिव के साथ आएगा, ठीक है. रीडिंग में आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना, चाहे तो इसको उल्टा कर लो, तो साइन चेंज हो जाएगा. ये वोल्टेज सोर्स की आउटपुट है जो हम इस ऑपरेटर्स को एज इनपुट दे रहे हैं. ये वायर्स ऑलरेडी लगी हुई हैं. और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो कि ये जो एनोड है इट इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है. ये वी का नेगेटिव इसके साथ लगा हुआ है, ये ऑलरेडी इंटरनली कनेक्टेड है. और जो वी का पॉजिटिव है वोल्टेज का, वो एमीटर के थ्रू ये कैथोड को लगा है, ठीक है. तो नेगेटिव लगे होने का मतलब है कि जो भी हम पोटेंशियल देंगे वो नेगेटिव होगा, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. और उस पोटेंशियल को हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे, ये रियोस्टेट है, ये नॉब, यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे ताकि हम वो वाला पोटेंशियल अचीव करें जिसके लिए ये करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल. और अब देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट. सो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, मैंने ब्लू कलर का फिल्टर डाल लेना है पहले. जैसे ये ब्लू कलर है, ये फिल्टर यहाँ पे ब्लू कलर का लगा दिया. अभी इसके करस्पॉन्डिंग करंट आएगा, ठीक है, और इस करंट को ज़ीरो करना है. तो इसलिए मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रही हूँ, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती जाऊँगी. आप देखो ये करंट डिक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ करूँगी, ठीक है. तो मुझे वो वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल लेना है जिस पे करंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा जब करंट ज़ीरो हो जाता है, मीन्स जब इलेक्ट्रॉन जो है रीच करना बंद कर देते हैं, ठीक है. तो अभी देखो जैसे ही करंट ज़ीरो होगा तो ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया फॉर द ब्लू कलर, ठीक है. तो उसके बाद क्या करना है, ये वाली रीडिंग आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल की लिख लेनी है. ये बुक में आप देख लो, यहाँ पे कलर जो भी लेना है, ब्लू लेना है, उसकी फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा ब्लू कलर के लिए यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है. सिमिलरली फिर हम कोई दूसरा फिल्टर लगा लेंगे. जैसे अब मैंने ग्रीन कलर का फिल्टर लगा लिया, तो ग्रीन कलर के फिल्टर के लिए अब देखो ये करंट आ गया, ठीक है. जो भी करंट आया है इसको मैंने ज़ीरो बनाना है, तो वो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा. तो जैसे जैसे मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रही हूँ, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जा रही है, एंड हमें वहाँ पे स्टॉप करना है जहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा. सो आप देख लो यहाँ पे
इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया फॉर द ग्रीन कलर। सिमिलरली मुझे जो दूसरे दो फिल्टर हैं रेड एंड येलो, वो दोनों लगा के स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लेना है, और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा ब्लू कलर के लिए मैक्सिमम आएगा, फिर ग्रीन कलर के लिए उससे कम आएगा, देन येलो एंड रेड के लिए सबसे कम आएगा। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी जो आएगी दोनों को हमें ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है यहाँ से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, और फिर वहाँ से आप एच की वैल्यू निकालेंगे एंड डब्ल्यू निकालेंगे, दैट इज़ वर्क फंक्शन यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।